हाय गाइस, यार कैसे हो सब लोग। सभी का स्वागत है टाइटेनियम गेमर के एक और नए वीडियो के अंदर। तो भाई लोग, यार जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पे गाइस जो भी गेम में कोई नई चीज आ जाती है उसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों को देखने को ना मिले ऐसी हो नहीं सकती। तो गाइस यहाँ पे गेम के अंदर नहीं आया है क्राउन द बॉक्सर करके यहाँ पे न्यू बंडल आया है, वो हम यहाँ पे गाइस अनबॉक्स करने वाले। जो कि न्यू बंडल आया है आज ही आया गाइस, 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये रहने वाला है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हो गाइस कुछ गन्स का ये वो आया है, तो ये भी हम कुछ करने वाले ओपनिंग वगैरह इनकी जो भी है ये। और यहाँ पे कैरेक्टर रॉयल आए हैं तो सारे कैरेक्टर्स भी हम निकालने वाले, और भी बहुत सारी चीजें जो इनके अकाउंट में हम करने वाले। इनका नाम आप देख देते हो, इनका नाम है RDX सेनी और गिल्ड का नाम है सेनी राज। लेवल है इनका 56। तो गाइस ये आईडी मैंने इंस्टाग्राम से ली, और अगर आप भी चाहते कि मैं आपकी आईडी पिक करूं तो भाई सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ना, उसको क्लिक करना जरूरी है, और लाइक बटन भी जरूर से प्रेस कर देना। और ये आईडी इंस्टाग्राम से लिए तो आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, तभी तो आपका आईडी पासवर्ड लूंगा, वरना आईडी पासवर्ड आपका कहां से लूंगा मैं। तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार फटाफट, जो भी अभी तक नहीं आए। बट अभी नहीं, पहले वीडियो पूरा देखो फिर आपको जाके इंस्टाग्राम पे आना है। पहले आप मेरा फटाफट इंट्रो देख लो, तब तक इनके अकाउंट में जो डायमंड्स नहीं है तो हम पहले यार डायमंड परचेज कर लेते हैं, ताकि सारी चीजें हम इनके अकाउंट में परचेज कर सके। तो चलो यार फटाफट हम डायमंड परचेज कर दे, तब तक आप लोग जो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी जल्दी, इंट्रो देख लो और सब्सक्राइब कर दो। गाइज यार यहाँ पे हमारा टॉप अप एकदम सक्सेसफुली हो चुका है, और जैसे ही हमारे यहाँ पे गाइज टॉप अप सक्सेसफुली हुआ, हमें यहाँ पे गाइज जो है एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है यूनिकॉर्न रेस का। जैसे कि आप सबको पता है टॉप अप इवेंट आया हुआ है तो ब्लूप्रिंट मिल गया है। साथ में गाइज एक शॉटगन की स्किन मिली है जो कि काफी बढ़िया है यार। और ये सब आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको शॉटगन की स्किन तो बता देता हूँ, ब्लूप्रिंट तो गाइज अभी हम निकालेंगे तो आपको और बता देंगे। शॉटगन की स्किन जिसने भी नहीं देखी है मैं उसको बता देता हूँ, ये वाली शॉटगन स्किन काफी बढ़िया है, इसका मैगजीन ज्यादा है, प्लस जो है आपकी रीलोड स्पीड कम है बट रेट ऑफ फायर ज्यादा है, तो काफी सही है भाई। आप जे यूज करेंगे ये यूज करो, काफी आपको जो मजा आने वाला है। और साथ में यहाँ पे भाई के यहाँ पे लेवल अप पास भी भाई ने नहीं किया है, तो हम लेवल अप पास भी कर लेते हैं यहाँ पे। प्लीज वेट करके दिखा रहा है, पता नहीं ये डॉलर्स में क्यों दिखा रहा है, तो गाइस यहाँ पे हमें डॉलर्स में ही दिखा रहा है अभी तक यहाँ पे। अगर ये चलो इंडियन रुपीज में हो गया, तो अभी हम फटाक से जो गाइस भाई के अकाउंट में एक और टॉप अप कर देते, ताकि डायमंड्स की हमें लास्ट में जाते जाते ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डायमंड्स की कमी हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी फ्री डायमंड मिले, तो भाई मैं फ्री डायमंड का अगर आपको तरीका देखना तो वीडियो का एंड का जो है लास्ट का एक मिनट देखना आप जरूर से, क्योंकि वहां पे आपको मैं तगड़ा सा जो बताने वाला हूं, जहां से आप बिल्कुल फ्री डायमंड ले सकते हो। फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई भी कॉस्ट नहीं, बिना किसी रुपए के आप बिल्कुल डायमंड ले सकते हो, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पे गाइज हम फटाफट से भाई के पास आलोक तो पहले से, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले लाइट पास ले लेते हैं, पहले मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ले लेते हैं, बाकी सारे आइटम फिर हम लेते रहेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइज अभी हमारा लाइट पास, तो हम पहले तो फटाफट से लाइट पास कर देते हैं यहाँ पे। और देख सकते हो गाइज लाइट पास में हमें जो क्या क्या मिला है, और यहाँ पे हमें बेजेस की थोड़ी कमी पड़ रही है, थोड़ा सा एक और बेज मिल जाता तो हमें यहाँ पे स्टोन मिल जाता, जो कि बहुत बढ़िया बात हो जाती है। कितना बेस कम पड़ रहा है हम अभी चेक करेंगे, और अगर एक दो बेस का ही मामला रहेगा तो हम जरूर से जो यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमें स्टोन की जरूरत है गाइस, क्योंकि अभी लेंगे तो स्टोन की जरूरत पड़ेगी। यार इमोट भी फुल हो रखे है, भाई का अकाउंट काफी सही है वैसे देखा जाए तो, मतलब नूब अकाउंट नहीं है भाई का अकाउंट, जो है थोड़ा ठीक ठाक बढ़िया अकाउंट है। यहाँ पे हमें कितने बेज, 125 डायमंड की जरूरत पड़ेगी, अभी हम देखेंगे कि बेज हमें परचेस करना पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ पे चलो यार फटाफट से पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो न्यू इवेंट आया था, यहाँ पे गाइस आपको मैं न्यू इवेंट बता देता हूँ कहाँ गया न्यू इवेंट। जो न्यू वाला कपड़ा आया था भाई, वो वाला कड़ा ये रहा गाइस, ये रहा क्राउन द बॉक्सर वाला यहाँ पे बंडल आया था, तो ये बंडल हम पहले निकाल देते हैं, फिर बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे। तो ये 70% लोड होके केली रुक क्यों गई यार, ये निकलने कैसे वाला ये नहीं पता है ना, लाइक कैसे निकलेगा यार, निकलेगा कैसे भैया, मेरे को लग रहा है यहीं पे कुछ सिस्टम होगा इनका। यहाँ पे हमें नीचे वाले में स्पिन करना पड़ेगा। ओ भाई तीन मिला, क्या है ये पता नहीं यार, भी ड्रॉप कर देते हैं। तीन मिला, अभी हम वापस इसमें भी करेंगे, मतलब क्या मिल रहा है यहाँ पे देखते हैं फिर से। यहाँ पे शायद 10-10-10 ये शायद क्राउन मिल रहा है शायद, है ना, ये पता नहीं है क्या। चलो इसमें ट्राई करते हैं 69 डायमंड में, और यहाँ पे कितना डायमंड लग सकता है, चलो 10 मिला। और कितना क्या क्राउन का क्या यूज़ क्या होगा पता नहीं, ये तो मतलब सर का वो है ना, इसका यूज़ क्या होगा वही नहीं पता। 10 और मिल गया, यहाँ पे स्टोर में जाते हैं, यहाँ पे 100 का तो वैसे ही रिडीम हो जाएगा भाई, इतना सारा मिल रहा है ये भी रिडीम करेंगे भाई, बूम 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 बहुत आ गया। चलो एक बार और 99 ये कर लेते हैं, 99 का भाई दे दे यार,
कितना स्पिन करवाएगा ये, 99 का होगा ना, चलो 99 में भाई दे दे। अरे भाई दे दे यार, स्टोर के अंदर जाते कितना जरूरत है, 50 हो गया। चलो हम वैसे अगर 500 डायमंड और चाहिए, अगर ऐसे 10-10 करेंगे तो 500 डायमंड्स की हमें गाइस यहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत जो है पड़ने वाली है, क्योंकि अगर 500 डायमंड नहीं उड़ाने वाले तो यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कुछ मिलने वाला है हमें। चलो गाइस अगेन ट्राई करते हैं, देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। ला 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 दे दे भाई, दे दे, कितना ज़्यादा क्राउन करूँ मैं, पूरा जिंदगी भर क्राउन क्राउन ही खेलेगा क्या तू यार? देते क्यों नहीं है भाई, मतलब यार जरूरी है, इनको सबको पता है क्या, मतलब पूरा डायमंड वेस्ट करवाना है, मतलब कुछ तो दे दो भाई। देते ही नहीं गाइस, 100 टोकन हमने ले लिया, अभी 100 के अंदर ये रिडीम हो जाएगा, बाकी तो हम यहाँ पे देख सकते हो क्या रिडीम करें। यहाँ पे गाइस सबसे बेस्ट है 100 के अंदर जो हमें ये रिडीम कर लेते ये वाला कपड़ा, और हमें यहाँ पे मिल चुका है बॉक्सर वाला कपड़ा। बूम बूम बूम, अभी मैं आपको जाके पहले दिखा देता हूँ पेना के कि जो बॉक्सर वाला कपड़ा वो किस तरीके का दिखता है यहाँ पे गाइस। तो हम फटाफट से जाते हैं और ये बंडल जो गाइस हम यहाँ पे पहन के आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का जो ये बॉक्सर वाला बंडल ये दिखता है। तो गाइस ये रहा बॉक्सर वाला बंडल, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है भाई। इसका चश्मा मतलब काफी ठीक लग रहा है भाई, कुछ भी बोलो भाई देखो, बट इसका चश्मा खाली, अगर चश्मा देखा जाए, रुको 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 रुको, आपको मैं इसकी टोपी हटा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये बाल कर दो, इसका चश्मा देखो भाई, ओनली चश्मा देखो भाई, मजा आ जाएगा भाई, मैं तो लेने वाला खुद भी बंडल, इसका चश्मा काफी बढ़िया है। चलो एक चीज तो यहाँ पे गाइस सही देखने को मिली है कि भाई इसका चश्मा काफी बढ़िया है, तो ये मैं लेने वाला हूँ। और इसका जो शर्ट है वो भी काफी ठीक है, मतलब यार देखने में बंडल काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है, बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, पैसा वसूली भाई, पैसा वेस्ट नहीं है इस बंडल पे। और अभी एक और न्यू और इवेंट था भाई, पहले वो भी कंप्लीट करते फिर बाकी डायमंड्स का हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं, बट पहले यार जो इवेंट्स वगैरह गेम में आते नहीं है वो तो आपको करके दिखाने हैं। तो ये क्या यार, ये नहीं पता मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला, पता नहीं। इसमें भी ये केली दौड़ रही है भाई एकदम डक की चिकी। 70% लोड हो गया, 70 लोड होके थोड़ा रुक जाता है ना गाइज, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। चलो गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ गेट हेल्प ये क्या पता नहीं लेवल वन। अरे भाई म्यूजिक रुक जा पहले, अरे म्यूजिक रुक जा। गेट हेल्प यहाँ पे ये शायद कुछ फ्रेंड वगैरह को शेयर करने से कुछ होगा यार, मैं आपको बताऊंगा। चलो गाइस इसका वीडियो मैं सेकंड चैनल पे लेके आऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करने वाले। इसमें डायमंड नहीं, आप जो है अपना फ्रेंड व्रेंड को बोलोगे वो शेयर करेंगे तभी आपको ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे गाइस अभी इवेंट बचे नहीं है, तो अभी हम चल लेते हैं जो गेम के अंदर नया है, और यहाँ पे डायमंड रॉयल हम देखेंगे, डायमंड रॉयल लेते हैं। आई एम रिच वाला इमोट ले लेते पहले फटाफट से। चलो गाइस एक आई एम रिच वाला इमोट हो जाए, एंड यहाँ पे भाई क्राउन के साथ में आई एम रिच इमोट अलग ही लगेगा। चलो इमोट्स फुल हो गए, बट दिक्कत वाली बात नहीं, आई एम रिच ले लिया हमने, इलाइट पास ले लिया, जे लेना है। चलो भाई बाकी सारी चीज़ें हो गई हमारे पास क्लियर, और यहाँ पे चलो एक ये वाली पेंट भी ले लेते हैं। चलो बहुत आर्ट, चलो ये पेंट भी ले ली। चलो यहाँ पे आई एम रिच वाला जो इमोट लिया गाइस हमने, पहले वो इक्विप कर देते। आई एम रिच कहाँ गई, अरे इमोट्स कहाँ गई अरे। चलो इमोट्स ये वाला हटाते हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं उन इमोट्स को हटा देते हैं, आई एम रिच वाला ले लेते हैं, और ये सेल्फी वाला भी काफी ज्यादा पुराना हो गया है, तो बिल्कुल पुराना हो गया। चलो गाइस दो नए इमोट लिए थे हमने, दोनों के दोनों लेटेस्ट वाले इमोट आप जैसे, तो एक तो ये पैसे वाला है, और ये की है मतलब मारने के बाद इस तरीके से ऐसा करने वाला इमोट है, तो दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया है। और अभी हमारे पास डायमंड तो बहुत सारे बचे हुए हैं, आप देख सकते हो तो 3500 डायमंड बचे हुए, तो हम स्टोर में जाते हैं, इनका कुछ ना कुछ पहले बढ़िया चीजें जो भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम गाड़ी का एक स्किन ले लेते हैं, चलो बाकी सारी चीजें छोड़ के अलग, और गाड़ी का एक स्किन ले लेते हैं 800 डायमंड में। आप देख सकते हो तो कार का काफी बढ़िया स्किन जो हमें मिल चुका है, हम आपको दिखा देते हैं। व्हीकल्स में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रही कार की स्किन, भाई के पास अभी सभी एक एक स्किन हो चुकी है, जीप कार मोस्टर ट्रक, और यहाँ पे इसकी भी एक स्किन होगी जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है भाई। चलो भाई ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई भाई, हमें अभी और क्या चाहिए भाई। यहाँ पे हम न्यू में जाते हैं और यहाँ पे बॉक्सेस पता नहीं किसके, ये नहीं परचेस करने वाले, अभी हम चलते हैं फटाफट से, जो एक बंडल है वो हम कर लेते हैं फटाफट से परचेस। तो यहाँ पे गाइस फटाफट चलते हैं और हम एक यहाँ पे बंडल परचेस कर लेते हैं, एक ओपी सा कोई सा भी। तो यहाँ पे हम उल्टी टोपी, यहाँ पे काफी सेल लग रही है। चलो गाइस यहाँ पे आज एक बंडल परचेस करते हैं तगड़ा वाला, वो भी चलो उल्टी टोपी। गाइस यार यहाँ पे हमने टोपी जो है ले ली है, और साथ में गाइस अभी हम जो शर्ट वर्ट है वो भी जो हम यहाँ पे फटाफट से जो है लेने वाले हैं, वो भी बहुत ओपी वाले, शर्ट नहीं लेते यार, पेंट लेनी है हमें, बट पेंट भी भाई के पास वो वाली है जो सबसे ओपी पेंट है। रुको 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 रुको, देखने दो मेरे को, सबसे ओपी वाली पेंट जो भाई के पास है या नहीं है, अगर वो नहीं है तो पेंट जरूर से लेने वाले, ये रही गाइस। तो भाई के पास पेंट है, जूतों की बात करें तो जूते भी भाई के पास एकदम तगड़े वाले हैं, तो हमें भाई को जूते भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। और अभी हम चलने वाले फटाफट से भाई को एक गन स्किन दिलाते हैं, क्योंकि भाई हमने आप देखिए तो गाइस इलाइट पास ले लिया है, आलोक ले लिया, जो न्यू बंडल है वो ले लिया है, नेम चेंज कार्ड, यस 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 गाइस, एक नेम चेंज कार्ड हो जाए पहले यार, बाकी सारी चीजें बाद में, पहले एक नेम चेंज कार्ड हो गया। नेम चेंज कार्ड डायमंड रॉयल के जितने भी ऊंचे मिल रहे ले लेते हैं, वेपन रॉयल के जितने भी ऊंचे मिल रहे ले लेते हैं। चलो बहुत आर्ट, अभी हम जो है नेम चेंज कार्ड भी आ चुके हैं हमारे पास, आलोक इलाइट पास एंड जो मेनली जो चीजें सारी हमने जो गाइस इनके अकाउंट में निकाल लिए, और अभी हम चलते हैं
लक रॉयल्स की तरफ एंड लक रॉयल्स में जाएंगे। और यहाँ पे कैरेक्टर रॉयल में बात करें यहाँ पे तो सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भाई के पास है, जे की बात करें तो जे भाई के पास नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, ये बंडल का भी हम ट्राई करेंगे एक बार तो। और यहाँ पे ये गन का ट्राई नहीं करने वाले, हम पहले जाते हैं इंक्यूबेटर का ट्राई करते हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर में यहाँ पे यूनिकॉर्न रेस की अगर ये टॉप वाली मिल जाए तो अलग ही मजा है। चलो गाइस एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हमें ब्लू प्रिंट या फिर स्टोन मिला तो हम और ज्यादा यहाँ पे ट्राई करने वाले। बट यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कि इतना आसानी से जो सारी चीजें मिलने वाली है। यहाँ पे ट्राई करेंगे हम, इनमें कम से कम 500 डायमंड तो लगाएंगे, उसके बाद में देखेंगे। 180 एंड 180 टू टाइम लगा चुका हूँ गाइस, एंड अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो नहीं मिले, मेरे को नहीं लग रहा इतना इजीली मिलेगा। अगर एक स्टोन भी नहीं मिला तो मैं नहीं करने वाला नेक्स्ट स्पिन, क्योंकि भाई यहाँ पे देख सकते हो गाइस बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। अगर आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना आपका कटने वाला है। तो यहाँ पे नहीं मिलेगा गाइस, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये पेट फूड देंगे, पता है मेरे को, पहले ही पता था ना, नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं देने वाले, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मत करो। चलो गाइस यहाँ पे हम ये स्पिन और नहीं करने वाले, क्योंकि यार फ्री का डायमंड जा रहा है बिना किसी मतलब, यार कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ मिले, आपको लग रहा है कि कुछ मिले तो ही आप जो स्पिन करें, मैं खुद यही सजेस्ट करता हूँ। तो हम यहाँ पे एक AK-47 को जो स्पिन मिल रही है वही ले लेते हैं यार, क्योंकि भाई उससे अच्छा है ज़्यादा डायमंड वेस्ट करने से, अच्छा है जो मिल रही है वही बढ़िया है। तो यहाँ पे चलते हैं और हम एक AK-47 जो यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा डायमंड बात करें तो गाइस उसी के अंदर जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा डायमंड आप जो वेस्ट वहीं पर होता है आपके, तो भाई मतलब यार इंक्यूबेटर ये सारी चीज़ों पर मत ही उड़ाया करो भाई, क्योंकि उड़ाओगे तो फिर भाई मतलब इतना ज़्यादा पैसा होना चाहिए कि भाई उड़ाओ मतलब सारी चीज़ें ले लो, क्योंकि यार बहुत मुश्किल से जाके जो चीज़ें मिलती है यार आप सबको पता है। तो यहाँ पे हमने गाइस सारे आइटम परचेस कर दिए, अभी भी हमारे पास डायमंड पड़े हुए, उनका हमको कुछ ना कुछ बढ़िया सी चीज़ ही परचेस करें तो ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अपना फ्री से मतलब जो इतना इंपॉर्टेंट डायमंड से वो एक फालतू सी चीज़ के लिए, लाइक जो है अपन वहाँ पे इंक्यूबेटर वगैरह हम उड़ाएं और वहाँ पे कुछ मिलने वाला भी नहीं है गाइस। लिटरली आप देखोगे 5,000 डायमंड कंटिन्यूसली चले जाते, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो वहां पे मैं नहीं उड़ा के भाई एक समझदारी से जो अपन कुछ स्टोर में से कुछ बंडल ले लेते, ठीक है। जैसे अपन व्हाइट निंजा ले लेते हैं, तो भाई के पास व्हाइट निंजा नहीं है, चलो एक व्हाइट निंजा ले लेते हैं। ये यार सही चीजें हैं, क्योंकि भाई यार इन्हें लॉन्ग टर्म तक भाई पहन सकते हैं। आप देख सकते हो व्हाइट निंजा कुछ इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पे भाई ने जो अभी पहले कपड़ा पहन रखा था, ये वाला कपड़ा अपना आ गया मेल का, ये देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ क्रिएट बॉक्स है वो भी हम ओपन कर लेते हैं, चलो इनमें तो कुछ मिला नहीं है। तो गाइज यही सारी चीजें हैं। और यहाँ पे भाई के पास जे है, पहले से जे का बंडल है, यस यस जे का बंडल है, जे कैरेक्टर नहीं है भाई के पास, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, जे का ओनली बंडल बंडल है, जे कैरेक्टर भाई के पास नहीं है। बुम बुम बुम, यहाँ पे देख लेते एक बार, कैरेक्टर तो नहीं है ना जे भाई के पास, देखते हैं यहाँ पे भाई के पास जे कैरेक्टर नहीं है, ओनली बंडल है गाइस। तो हम बंडल को खोलते नहीं यार, क्योंकि अगर खोलेंगे तो बंडल ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। स्टोर में जाते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ें परचेस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक बैकपैक हो जाए भाई बढ़िया सा, चलो ये वाला बैकपैक नहीं यार, ये फिर ये वाला, यस 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 ये वाला एक बैकपैक हो जाए भाई, काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये वाला बैकपैक। चलो एक बैकपैक हमने ले लिया। और यहाँ पे पैराशूट नहीं लेने वाले, बैकपैक हो गया, गन स्किन्स हो गई, जो डेली यूज़ होती है वही चीज़ें हम लेने वाले। और यहाँ पे हाई येलो वाले इमोट तो भाई के पास पहले से, जैसा कि आप देख पा रहे नीचे रही हाई येलो वाले, ये रहा कहाँ गया हाई एंड वो हेलो वाले इमोट्स तो भाई के पास पहले से, तो वो हम लेने वाले नहीं है। सरबोर्ड वगैरह हम फालतू उड़ाने वाले नहीं है। यहाँ पे हम जाते हैं और कुछ बढ़िया सी चीज़ मिल जाए। अभी हमारे पास 787 डायमंड है, ठीक है, तो हम नहीं ये वाला भी नहीं परचेस करेंगे, छोड़ दो, अभी छोड़ देते हैं। मेरे को लग रहा है डायमंड छोड़ देने चाहिए भाई को, जो मर्जी भाई परचेस करते रहेंगे, हमें उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है तो भाई फालतू में उड़ाने से छोड़ देते हैं, इससे अच्छा तो भाई के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे AK-47 के लिए चलो 10 बॉक्स ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये भी परमानेंट नहीं मिली, तो चलो यार यहीं पे वीडियो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो है सारा आइटम हमने परचेस कर दिया, सारे न्यू इवेंट परचेस कर दिया, जो भी गेम में खरीदना था हम सारे आइटम खरीद चुके हैं। और अभी हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि भाई आप फ्री डायमंड्स कैसे ले सकते हो, ठीक है गाइज। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में एक पहली लिंक है, ठीक है, मेरी अभी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में, सब ध्यान से सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है पेटीएम फर्स्ट गेम्स की, ठीक है। उस लिंक पर आप क्लिक करके जो पेटीएम फर्स्ट ऐप है वो डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में जो वहां पे अगर आप यूज करते हो, जैसे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, देखो पहले ध्यान से सुन लो, लिंक पे क्लिक करना है, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे एक पेज खुलेगा, वहां पे आएगा डाउनलोड एंड गेट RS50, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको ऐप एक इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद वहां पे आपका नंबर मांगेगा, पेटीएम फर्स्ट गेम्स में आपका नंबर मांगेगा, नंबर डालना है, नंबर के ऊपर लिखा रहेगा इंटर रेफर कोड, रेफर कोड में क्या डालना है ध्यान से सुन लेना, यहीं से मेन चीज है, ठीक है, रेफर कोड में डालना है TNM1, क्या डालना है TNM1 और 1,
सब छोटी वाली एबीसीडी में, ठीक है, टी एन एम वन डालना है सब छोटी वाली एबीसीडी में, क्योंकि भाई जो है आप लोग जो है टी एन एम वन यूज़ करोगे तभी आपको 50 रुपये का बोनस मिलेगा पेटीएम फर्स्ट गेम्स में। और ये भाई पेटीएम के द्वारा एकदम ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 50 रुपये मिलेगा भाई, वहाँ से आप छोटे छोटे क्रिकेट एंड कबड्डी जैसे अंदर गेम खेल सकते हो। आप पैसा ऐड भी कर सकते हो, अगर आपका मर्जी करे आपके पास पैसे है तो आप ऐड भी कर सकते हो वहाँ पर, क्रिकेट एंड कबड्डी जैसे छोटे छोटे गेम खेल के वहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं 10-20 रुपये भाई आप हजारों में कमा सकते हो, और कमा के डायरेक्ट उसको जो है विड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं। पेटीएम से आप डायरेक्ट अपना रिडीम कोड बनाइए गूगल प्ले का, और डायरेक्ट आप जो है गेम के अंदर बिल्कुल इजीली डायमंड परचेस कर सकते हो। तो जाओ यार, फुल डायमंड लेना है तो भाई पेटीएम पर डाउनलोड करो, और TNM1 जरूर यूज करना, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है TNM1, यहां समझ नहीं आ रहा तो वहां से देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।